मथुरा डबल मर्डर के विरोध में आज लखनऊ में सराफा कारोबारी हड़ताल पर हैं। वहीं आज सीएम योगी विधानसभा में भी बयान दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रताप इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शिव, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम योगी पहले भी इस बात को लेकर निंदा कर चुके हैं विधानसभा में, आज वो क्या कुछ कहेंगे, क्या फॉलो अप एक्शन जमीन पर हुआ है, खास तौर से जब परिवार वालों ने अल्टीमेटम दिया था उसके बाद? देखिए असला, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, कानून व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं। और जब ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही, तो इस पर उन्होंने ये भी वक्तव्य दिया कि एक महीने की सरकार पर पिछले 5 साल का कंपैरिजन किया जा रहा है, ये गलत होगा। लेकिन ये भी कहा जाए असला, तो भाजपा के पास अभी भी कोई जवाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है, क्राइम ग्राफ बहुत ही तेजी से चढ़ चुका है। और जो मथुरा हत्याकांड हुआ है, सराफाओं का जो हत्याकांड हुआ, उस पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई जवाब नहीं आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरीके की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं और डीजीपी सुलखान सिंह भी कोई खास कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो गए तो जरूर, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो फॉर्मेलिटी में तमाम कार्रवाई होती, निलंबन कर दिया और प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी, लेकिन जो जमीनी स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी भी सराफा कारोबारियों को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सराफाओं पर कई हमले ऐसे हो चुके हैं, डकैतियां पड़ी हुई हैं, लाइव फुटेज है, राजधानी लखनऊ में इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अभी भी सराफाओं को वो सुरक्षा होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसको लेकर के कई लोग कई बार स्ट्राइक भी कर चुके हैं। हमारे साथ इस समय आदर्श व्यापार मंडल, मैं आपके पास अपडेट के लिए एक बार फिर से लौटूंगी शिव प्रताप, फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर